students, today we are going to start conversion from lower to higher units of mass. आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारी जो lower units है mass की उनको higher unit में convert करना सीखेंगे. कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था measurement of mass. It means हम लोग जो हमारी mass वाली units है उसको किस में measure करता है, it means किन चीजों को measure करने के लिए हमें mass की जरूरत पड़ती है. ठीक है, लाइक अगर हमें कहीं वेजिटेबल्स खरीदना है तब भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मास मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अगर किसी चीज का हमें वेट फाइंड आउट करना है तब भी हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, उसके मास मेजरमेंट की. इट मीन्स अगर हमें किसी भी चीज का वेट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, उसकी मास मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. और हमारे पास में मास की मेजरमेंट कितने तरीके की थी, थ्री टाइप्स की. ठीक है, फर्स्ट है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, हमारी बेस यूनिट जो है ग्राम. कौन सी है, ग्राम. ग्राम को हम लोग कौन से वेट्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारे लाइट वेटेड चीजें हैं. ठीक है, लाइट वेटेड चीजें मतलब हमारा लाइक टीस्पून ऑफ शुगर. ठीक है, किसी एक चम्मच के अंदर हम थोड़ा सा शुगर ले रहे हैं, या फिर किसी ग्लास के अंदर हमारे पास में थोड़ा सा पानी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस ग्लास का अगर हम वेट फाइंड आउट करते हैं तो वो वेट हमारा किस में आएगा, ग्राम में फाइंड आउट होगा. ठीक है, सेकंड यूनिट हमारे पास में आई थी हमारी कौन सी यूनिट्स, हायर यूनिट्स. हायर यूनिट्स कितने टाइप की होती है, हमारी थ्री टाइप्स की. कौन कौन सी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम. ठीक है, तो ये तीनों यूनिट्स हमारी किस चीज को मेजर करती हैं, कौन से वेट को मेजर करेगी, जो हमारे हैवियर वेट्स होते हैं. लाइक अगर हमें वेजिटेबल्स खरीदनी है तो वो हमारी किस में आती है, लाइक किलोग्राम. ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं शॉपकीपर को कि भैया हमें इतना किलोग्राम वेजिटेबल्स चाहिए, मीन्स इतना किलोग्राम हमें पोटैटो चाहिए, 5 किलोग्राम टोमेटो एंड 5 किलोग्राम दिस एंड दिस. ठीक है, हमें मतलब बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, हम क्या बोलते हैं उनको, किलोग्राम में बोलते हैं. ठीक है, और थर्ड यूनिट हमारी कौन सी थी, लोअर यूनिट्स. ठीक है, तो लोअर यूनिट्स कौन सी होती है हमारी, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. इनमें हम लोग जो हमारे बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड चीजें हैं उनको मेजर करते हैं. लाइक अगर हमें गोल्डस्मिथ की शॉप पे जाते हैं हम, वहां पर हम क्या बोलते हैं, जो हमारा गोल्ड होता है वो किसमें मेजर करके देता है, वो हमें मिलीग्राम में. ठीक है, कितना एमएल का है, इतना एमजी का है आपका ये, या फिर उससे बड़ी जो यूनिट्स है उनमें मेजर करता है. और अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है तब हम किसमें मेजर करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो चीजें हैं उनको हम मास की मेजरमेंट कर लेते हैं. तो ये तो हमने कल वाली जो चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लिया. कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमारी जो हाइयर यूनिट्स थी उनको हमने लोअर यूनिट में कन्वर्ट किया था. तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है. ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी जो यूनिट्स थी उनको कन्वर्ट करके यहाँ पर शो किया था. आज हम क्या करेंगे, उसका बिल्कुल अपोजिट. इट मीन्स आज हम लोअर टू हायर करेंगे. ठीक है, कल हमने क्या था, हायर टू लोअर, जिसमें हमने हमारी जो हायर यूनिट्स थी उनको किसमें कन्वर्ट किया था, हमारी लोअर यूनिट्स में. ठीक है, ये तो हमने कल का डिस्कशन कर लिया कि हमने कल क्या पढ़ाई करी थी. ठीक है, आज हम हमारा आज का डिस्कशन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे डिस्कशन से. हमें करना है लोअर टू हायर यूनिट. तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करेंगे, हमारी जो लोअर यूनिट्स है उसको हम बेस यूनिट इट मीन्स किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करके शो कर रही हूँ कि अगर हम यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, इट मीन्स लोअर को हायर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें उसमें क्या करना होगा. तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी वाली जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करते हैं. कौन सी है छोटी वाली यूनिट हमारी, मिलीग्राम, इट मीन्स 1 mg. और 1 mg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है. क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है. और वो फॉर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्राम वाली फॉर्म हो जाएगी. क्या क्या हमने मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए,
1000 से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 1 मिलीग्राम को अगर हम सेंटीग्राम या फिर डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना है। अगर हम मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड डिवाइड द अमाउंट ऑफ मिलीग्राम बाय 100, देन द फॉर्म वी विल फाइंड दैट इज डेसीग्राम। ओके, अगर हम मिलीग्राम वाली फॉर्म में 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो फॉर्म हमारी कौन सी आ जाएगी, डेसीग्राम वाली फॉर्म फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/10 सेंटीग्राम। ठीक है, इट मींस अगर हम मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको 10 से डिवाइड करना होगा। ये तो हमने मिलीग्राम को हमारी बेस यूनिट, डेसीग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम हमारी मिलीग्राम वाली यूनिट को बेस यूनिट यानी कि ग्राम, डेसीग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड यूनिट कौन सी हमारी, सेंटीग्राम। तो सेंटीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ग्राम में और डेसीग्राम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सेपरेट करके यहाँ राइट कर रही हूँ, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1/100 ग्राम, 1/100 ग्राम। ठीक है, तो जब हम सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 सेंटीग्राम इक्वल टू होता है 1/10 डेसीग्राम, 1/10 डेसीग्राम। जब हम सेंटीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड कर देना है। इट मीन्स जब हम सेंटीग्राम वाली यूनिट को 10 से डिवाइड कर देंगे तब हमारी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, डेसीग्राम वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास में, हम डेसीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/10 ग्राम। इट मीन्स जब हम डेसीग्राम वाली यूनिट में 10 से डिवाइड करेंगे देन वी फाइंड द यूनिट ऑफ ग्राम। तो हम क्या कर लेंगे, हमारी जो ग्राम वाली यूनिट है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको वापस रिवाइज कर रही हूँ, 1 मिलीग्राम को हम जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर 1 मिलीग्राम को हम डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसको 100 से डिवाइड करना है। थर्ड चीज हम देखते हैं अगर मिलीग्राम को हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको 10 से डिवाइड करना होगा। ये तो हमने मिलीग्राम को चेंज किया, नेक्स्ट में हमने क्या किया है, अगर हम सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। और अगर हम सेंटीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको 10 से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/10 ग्राम। इट मीन्स अगर हम डेसीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू डिवाइड द यूनिट ऑफ डेसीग्राम बाय 10। ओके, तो ये हमने हमारी जो लोअर यूनिट थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, हमारी बेस यूनिट इट मीन्स ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारी जो बेस यूनिट है उसको हाइयर में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, हम सीधा डायरेक्टली हाइयर यूनिट को लोअर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हाइयर टू लोअर करना है उसमें भी हम पहले हमारी यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन हम उसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे। और अगर लोअर टू हाइयर करना है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हमारी बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हाइयर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बेस यूनिट को बाकी यूनिट्स में इट मीन्स हाइयर यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाते हो। ठीक है, किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे।
यहाँ पर है हमारी बेस यूनिट ग्राम, देन 1 ग्राम इक्वल टू, अगर हम ग्राम की यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी ग्राम वाली यूनिट को 1000 से डिवाइड करना होगा। क्या करना है हमें, अगर हम ग्राम की यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/100 हेक्टाग्राम, इट मीन्स HG। अगर हम ग्राम वाली फॉर्म को हेक्टाग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/10 डेकाग्राम, ठीक है। अगर हम हमारी ग्राम वाली फॉर्म को डेकाग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको 10 से डिवाइड करना होगा। ये तो हमारी जो बेस यूनिट थी इसको हमने किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारी जो डेकाग्राम है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम किलोग्राम और हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन 1 डेकाग्राम इक्वल टू होता है 1/100 किलोग्राम, ठीक है। जब हम डेकाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं 1 डेकाग्राम इक्वल टू होता है 1/10 हेक्टाग्राम, ठीक है। जब हम लोग डेकाग्राम को हेक्टाग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं 1 हेक्टाग्राम, और जब हेक्टाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है। इट मीन्स 1 हेक्टाग्राम इक्वल टू 1/10 किलोग्राम, ठीक है। तो हेक्टाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको 10 से डिवाइड करना है। इसको भी वापस रिवाइज करते हैं हम, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, इट मीन्स ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है। ग्राम को हेक्टाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है। ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है, और डेकाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, डेकाग्राम को हेक्टाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है, एंड लास्ट एंड फाइनल हमें हेक्टाग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना है। तो ये तो मैंने आपको सारी यूनिट्स के बारे में बता दिया कि कैसे हम हमारी लोअर को बेस में और बेस यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। मैं अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ जिसके थ्रू आप लोग इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रेज कर रही हूँ बिकॉज हमें एग्जांपल के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, और अब हम क्या करेंगे, इसको रेज कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है हमें, कन्वर्ट ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट कन्वर्ट ग्राम इंटू किलोग्राम। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा 55,000 ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ओके।
तो ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें जिस यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे कि हमें इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो फर्स्टली अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना है, 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हैंस अगर हमारे पास में यहाँ पर 55,000 ग्राम है तो उसको हम किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें हम 10,000 को डिवाइड कर देंगे। मींस 55,000 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पर यूनिट कौन सी हो जाएगी, हमारी किलोग्राम वाली यूनिट हो जाएगी। क्या क्या हमने, हमें पता है 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय 1000 किलोग्राम। इट मींस अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन था 55,000 ग्राम, तो अगर हम 55,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है और वो फॉर्म हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ जब हम 55,000 पे, मैं आपको इधर रफली करके बता देती हूँ, 55,000 और इसको हम क्या करेंगे, 100,000 से हमें क्या करना है, डिवाइड। आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं एक इजी वे बता रही हूँ। जितने हमारे पास में नीचे जीरोस होते हैं ना, ऊपर वाले जीरोस को उतने को ही कट कर दीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास में ऊपर और नीचे सेम जीरो ना, तो सेम जीरोस को कट कर देते हैं हम। ठीक है, और कट करने के बाद में जो हमारे पास में आंसर आता है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया हमारा, इजीली समझ में आ गया ना हमें, क्या है, हमें अगर नीचे जितने जीरोस दिए जाते हैं ऊपर अगर हमारे पास में सेम जीरोस है तो हम उसको क्या कर लेंगे, जीरो जीरो कट कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास में जितने भी जीरोस कट सकते हैं हम उतने जीरोस को यहाँ पर कट करके शो कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कट करके नहीं दिखा रही हूँ, ओनली बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इनको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55 kg। देन जब हमने 55,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 55 किलोग्राम। ठीक है, ये तो हमने एक नॉर्मल फॉर्म थी हमारी ग्राम वाली, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसे फॉर्म्स आती हैं जो कम्प्लीटली किलोग्राम में चेंज नहीं हो पाती है, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू कन्वर्ट 5,235 ग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। और इसको हम देख पा रहे हैं कि इसको जब हमारे पास में 1000 की वैल्यू कंप्लीट नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू को यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है, इसके हम टू पार्टीशन करेंगे। इट मीन्स एक तो हमारा 1000 वाला पार्टीशन और दूसरा हमारी जो रेस्ट वैल्यूज बचेंगी उनका पार्टीशन। इट मीन्स जो हमारा 1000 वाला प्लेस पे नंबर है उसकी क्या लिखेंगे हम, प्लेस वैल्यू। इट मीन्स 1000 पे कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। कौन सा है 1000 वाले पे, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू के साथ में राइट कर देंगे और यूनिट कौन सी लगा देंगे, ग्राम वाली यूनिट लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको राइट नहीं करना है,
यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, हमारी ग्राम वाली यूनिट लगा देंगे। अब हमने 5000 तो लिख लिया, हमें क्या करना है, अब अगर हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें 5000 में क्या ऐड करना पड़ेगा, ये जो हमारी रेस्ट वैल्यू बची हुई है ना, इसको हम राइट कर देंगे, इट मीन्स 235 ग्राम। ठीक है, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना था, कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो ग्राम वाली फॉर्म है, इट मीन्स पूरी थाउजेंड में जो फॉर्म है हमारी ग्राम की, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी नो दैट 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम, एंड हियर 5000 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और ये फॉर्म किस में हो जाएगी हमारी, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे, नीचे हमारे पास में 3 जीरोज है, ऊपर भी 3 जीरोज है, कट कर दो उनको, इजीली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। कट करने के बाद में आंसर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास में कितना बचेगा, 5, और 5 को हम किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड देते हैं तो वही नंबर हमारे पास में वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, 5 किलोग्राम यूनिट आ जाएगी हमारी। अब हम देखेंगे हमारी यूनिट को वापस राइट करते हैं, यहाँ पे 5235 ग्राम। ठीक है, ये हमारी यूनिट थी, हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला हमारा 1000 वाला पार्ट था और दूसरा हमारा सेकेंड पार्ट, जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था वो लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जहां पर हमारा 5000 वाला जो पार्ट है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 5 kg, इट मीन्स 5 किलोग्राम, क्या राइट करेंगे, 5 किलोग्राम। और जो सेकेंड पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको हम एज इट इज राइट कर देंगे, प्लस 235 ग्राम। ठीक है, ये हमने इसको राइट कर दिया, और अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 5 किलोग्राम। और ऐड करने का मतलब है किसके अंदर से हमें ये जो एडिशन का साइन है वो हटाना है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख देंगे हम, डायरेक्टली 235 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, किलोग्राम और ग्राम में, हमें यहाँ पे कंप्लीट ग्राम में कन्वर्ट करनी थी, तो ये पूरी यूनिट तो हमारी कंप्लीट ग्राम में कन्वर्ट हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो वो होगा जिसमें हमारी 1000 वाली वैल्यू आएगी, इट मीन्स हम हमारी 1000 की जो वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिस यूनिट को हम कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें हम लोग 1000 को डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम 5000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, तो हमने क्या किया, 5000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, मींस अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 5000 ग्राम, तो 5000 को ऊपर राइट कर देंगे और उसमें किसका डिवाइडेशन कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, देन आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 किलोग्राम। ठीक है, अब जब हमारे पास में 5000 ग्राम की वैल्यू 5 किलोग्राम आ गई है, तो जहां पर हमारी ग्राम की वैल्यू थी 5000 वाली, वहां पर हम क्या राइट कर देंगे, 5 किलोग्राम, और रेस्ट यूनिट, इट मीन्स जो बची हुई यूनिट है उसको एज इट इज राइट कर देंगे, और लास्ट वाला जो आंसर लिखेंगे हम फाइनल, उसमें क्या करेंगे, एडिशन का साइन हटा देंगे और ये वैल्यू हम एज इट इज राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हमारी जो ग्राम वाली यूनिट है उसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, ये तो अभी तक हमने बेस यूनिट से हायर की बात करी थी, अब हमने क्या करना है, हमारी जो लोअर यूनिट है उसको भी बेस यूनिट और उसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक कोई भी हमारी बेस यूनिट है 5621 मिलीग्राम इंटू
ग्राम, ठीक है, ग्राम एंड मिलीग्राम कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, ग्राम एंड मिलीग्राम में कन्वर्ट होगी ये। हमें क्या करना है, इसको 5621 मिलीग्राम को मिलीग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम थिंग है, अगर हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसको 1000 से डिवाइड करना होता है, और जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कम्प्लीटली डिवाइडेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर तो होगा नहीं, कम्प्लीटली 1000 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 1000 में तो 3 जीरोज आते हैं, इसमें तो 3 जीरोज है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने ग्राम और किलोग्राम के लिए किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, 5621, और किसमें है हमारी ये यूनिट, मिलीग्राम में दी हुई है, ठीक है। तो जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा, 1000 वाला, बिकॉज इफ वी हैव टू कन्वर्ट मिलीग्राम इनटू ग्राम देन वी हैव डिवाइड द यूनिट ऑफ मिलीग्राम बाय 1000, सो हियर वी सेपरेट द यूनिट्स इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज 1000 पार्ट एंड सेकेंड इज द रेस्ट यूनिट पार्ट, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5000 मिलीग्राम प्लस बाकी क्या बचा हमारे पास में, 621 मिलीग्राम, ठीक है, बाकी क्या बच गया हमारे पास में, 621 मिलीग्राम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी यूनिट को राइट करते हैं, कि व्हेन वी चेंज 1 मिलीग्राम इनटू ग्राम देन वी हैव टू डिवाइड द नंबर ऑफ मिलीग्राम बाय 1000, ठीक है। तो जब हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड करना है, इट मींस 1000 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्राम वाली यूनिट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर किसको कन्वर्ट करना है, 5000 मिलीग्राम को, तो यहाँ क्या राइट करेंगे, सो 5000 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पर हम 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 5000 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। और यूनिट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, देन आंसर इज 5 ग्राम, ठीक है। ये तो हमने मिलीग्राम वाली जो फॉर्म थी 1000 में, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे यहाँ पर, इट मीन्स 5621 मिलीग्राम इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 5000 मिलीग्राम, और यहाँ से हमने 5000 मिलीग्राम की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी है, 5 ग्राम प्लस ये हमारी रेस्ट यूनिट थी जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते कम्प्लीटली, तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे, इट मीन्स हम इसमें 1000 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज राइट कर देंगे, 5621 मिलीग्राम। अब हमने क्या करना है, फाइनल आंसर में इन दोनों को ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो ऐड करके लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 ग्राम, और ये एडिशन का जो साइन है वो हट जाएगा, इट मीन्स हमारे पास में क्या बच जाएगा, ओनली 5 ग्राम 621 मिलीग्राम, ठीक है, ये हमारे पास में यूनिट बच जाएगी। तो हमने क्या किया, मिलीग्राम को ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में 1000 वाली वैल्यू होगी, और सेकेंड पार्ट में हमारे पास में क्या होगा, जो रेस्ट यूनिट बची हुई है वो यूनिट होगी। सेकेंड हम क्या करेंगे, जो हमारा मिलीग्राम है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करना है, इट मीन्स हमें 1000 से डिवाइड करना था, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5000 को 10 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर इज 5 ग्राम, और लास्ट में इसको एड करके राइट कर देंगे,
ठीक है, ये हमारी जो मिलीग्राम वाली यूनिट थी हमने उसको ग्राम और मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक और यूनिट देखते हैं, हियर एक और एग्जांपल देखते हैं हम। लाइक अगर हमें हमारी यूनिट सेंटीग्राम में गिवन हो, ठीक है, सेंटीग्राम में गिवन करके देखते हैं हम हमारी यूनिट को, 6428 और किसमें है ये सेंटीग्राम में दी हुई है हमें। हमें क्या करना है, सेंटीग्राम वाली यूनिट को ग्राम और सेंटीग्राम में इनटू ग्राम एंड सेंटीग्राम, हमें क्या करना है इसको ग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जब हम सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। सो 1 सेंटीग्राम इक्वल टू क्या था हमारे पास में, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा प्लेस यूज करेंगे, हंड्रेड्स वाला। तो सबसे पहले हम हमारी यूनिट राइट कर देते हैं 6428 और ये कौन सी यूनिट है हमारी, सेंटीग्राम वाली यूनिट है। अब यहाँ पर हम जब टू पार्ट्स में डिवाइडेशन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना है, तो प्लेस भी कौन सा देखेंगे हम, हंड्रेड्स वाला। तो यहाँ पर हम टू पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 6400 क्या करेंगे, 6400 इट मीन 6400 बिकॉज हमें यहाँ पर क्या करना है, सेंटीग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 100 से डिवाइड करना है और जिस भी नंबर से डिवाइड करना है उतने ही हमें क्या लेना है, डिजिट। अगर हमें यहाँ पर 10 से भी डिवाइड करना होता तो हम यहाँ पर टेंस वाली वैल्यू देखते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है तो हम क्या देखेंगे, हंड्रेड्स वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी यूनिट को हमें किसमें कन्वर्ट करवा रहा है और जिसमें कन्वर्ट करवा रहा है उसको हम पहले यहाँ पर राइट करके देख लेंगे कि हमें क्या करना है इसके अंदर, 1000 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है या 10 से डिवाइड करना है। जिस भी नंबर से डिवाइड करना हो उतने का ही हमें क्या बना लेना है, एक ग्रुप बना लेना है। लाइक हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड करना था तो हमने 100 वाली वैल्यू तक इधर वाली सारी वैल्यूज लिख दी और यहाँ पर क्या लगा दिए, 20s, इट मीन 6400 हमारे पास में ये क्या हो गई, यूनिट हो गई, सेंटीग्राम में ही है हमारी ये यूनिट। प्लस जो बची हुई यूनिट है इट मीन्स 28 वो हम एज इट इज राइट कर देंगे और ये यूनिट किसमें हो जाएगी हमारी, सेंटीग्राम में आ जाएगी। तो ये हमने क्या किया, सेंटीग्राम वाली जो यूनिट थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा हंड्रेड्स वाला हो जाएगा और सेकेंड पार्ट हमारा जो रेस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसको कन्वर्ट करना है, 6400 सेंटीग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो क्या करेंगे हम, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो इट मीन्स 6400 डिवाइडेड बाय 100 आंसर इज इन ग्राम फॉर्म, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 64 ग्राम। कैसे देखा मैंने, नीचे भी मेरे पास में 20s थे, ऊपर भी मेरे पास में 20s थे, हम उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, हमारे पास में आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारा आंसर राइट करेंगे, 6428 सेंटीग्राम, ठीक है। इसको हम जब ग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट किया तो हमने पहले इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर हमारे पास में 6400 सेंटीग्राम है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 64 ग्राम, प्लस जो रेस्ट यूनिट है हमारी वो आ जाएगी 28 सेंटीग्राम। अब हम इसको ऐड करके इट मीन्स विदाउट इस साइन के यहाँ पर राइट करेंगे, 64 ग्राम 28 सेंटीग्राम, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, ग्राम और सेंटीग्राम में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहली थिंग हमें क्या याद रखनी है कि हमें कौन सी यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें 1000 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है या 10 से डिवाइड करना है, जिससे भी डिवाइड करना है उसको यहाँ पर राइट करेंगे।
राइट करने के बाद में हम यहाँ पर जब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा होना चाहिए जिस नंबर से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, इट मीन्स यहाँ पर हमें 100 से डिवाइड करना था तो मैंने 100 से पहले की जितनी भी वैल्यूज थी वहां पर राइट कर दी और बाकी जो दोनों यूनिट्स है इट मीन्स लास्ट के टू डिजिट्स थे उसको यहाँ पर रेस्ट यूनिट में राइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, हमारी यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे हमें किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना हो, मैंने आपको जो अभी यूनिट कन्वर्जन का लिखवाया था कि हम किस यूनिट को किस यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसको यहाँ पर हमें यूज करना है और उसके थ्रू हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।